नवागत कलेक्टर मयंक अग्रवाल बुधवार की शाम नीमच पहुंचे और पदभार ग्रहण किया। उसके बाद आज गुरुवार को पहली बैठक कलेक्टर सभाकक्ष में पत्रकारों के साथ हुई, जिसमें शहर सहित जिले के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। नवागत कलेक्टर ने पत्रकारों से शहर से लेकर जिले के विकास को लेकर चर्चा करते हुए सुझाव लिए, जिसमें पत्रकारों द्वारा मूलभूत सुविधाओं से लेकर शहर के वर्षों पुराने मुद्दों से भी अवगत कराया गया। पत्रकारों द्वारा विशेष रूप से शहर के जिला चिकित्सालय की स्वास्थ्य व्यवस्था, बंगला बगीचा, शिक्षा स्वास्थ्य, स्वच्छता अभियान और मेडिकल कॉलेज के साथ ही मिलावट खोरों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित कराया गया, जिस पर कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से चर्चा करके सभी समस्याओं का निराकरण करवाने और विकास कार्यों को गति प्रदान करवाने का आश्वासन दिया गया। जी, सबसे पहली प्राथमिकता तो यही रहेगी जो सर्विस डिलीवरी की, जैसा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बता रहा था कि सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि जो आम जनताओं को नॉर्मली जो ऑफिस के चक्कर वक्कर लगाने पड़ते हैं और जो सर्विस डिलीवरी से रिलेटेड मैटर रहता है, तो सर्विस डिलीवरी उनको तत्काल हो। काफ़ी सारी चीज़ों में जिनका हमला हमारे पास है और जो लोग हमारे पास है उनकी चीज़ों उनको भटकना ना पड़े। काफ़ी सारे मुद्दे प्रॉब्लम इस तरीके की भी उठी कि जो उसके रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, शासन से आने हैं, उसके लिए मेरा प्रयास रहेगा कि मैं शासन से संपर्क करके उनको जल्दी से जल्दी उपलब्ध करा दूं। सर, यहाँ पर बंगला बगीचा की समस्या बहुत ज्वलंत और गंभीर है जी। जो जब इसका बंगला बगीचा का इसका हल निकला था, व्यवस्थापन हुआ था 2017 में जी, उसके बाद जो SDM थे आदित्य शर्मा साहब जी, उन्होंने काफी अच्छी उसमें इंटरेस्ट लेके और बहुत अच्छे व्यवस्थापन किए थे जी। उनके जाने के बाद से 3 साल से बंगला बगीचा का काम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ सर जी, और नगर पालिका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही है। जो व्यवस्थापन पीठासीन अधिकारी बनाया जाता है जी, वो अभी तक उन्होंने इस दिशा में कोई ज्यादा कार्य किया नहीं है जी। और अभी अचानक नगर पालिका ने एक आदेश निकाल दिया कि 30 दिन के अंदर ये सब जो बंगला बगीचा के जो ये जो है, देखिए बंगला बगीचा एकदम ऐसा नहीं है कि नई प्रॉब्लम है, बहुत पुराने हैं और उसमें शासन के नियम भी बने हैं, पुराने बने हैं, फिर उसमें व्यवस्थापन के नए नियम भी बने हैं। तो मैं इसमें आपको एकदम से ये तो कमेंट नहीं कर पाऊंगा कि मतलब जो नगर पालिका ने क्या किया है वो ठीक है कि नहीं है, मगर हाँ जो पेंडिंग व्यवस्थापन है, जो नियम पूर्वक जो व्यवस्थापन किए जा सकते हैं वो किए जाने चाहिए। चलती रहेंगी, शासन की प्राथमिकता है माफिया के खिलाफ कार्रवाई में और मिलावटखोरों की कार्रवाई में, तो वो निरंतर चलती रहेंगी। सर, आम जनता को जो है मूलभूत सुविधाओं के लेकर काफी समस्याएं शहर में रही है जी, तो आपकी क्या प्राथमिकता है उनको लेकर? मूलभूत सुविधाएं जो हम डिलीवर करते हैं वो तो सबसे प्राथमिकता मेरी रहेगी। एक जनसुनवाई को लेकर के काफी समस्याएं, कई लोग ऐसे हैं जो हर जनसुनवाई में आते हैं, अपने आवेदन देते हैं लेकिन उनके निराकरण नहीं हो पाते। देखिए, इसमें थोड़ा सा मैंने अभी यहाँ का नहीं देखा सिस्टम, मगर हाँ जो ट्रैकिंग रहती है हमारी जो एप्लीकेशंस की, उसको मैं थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करूँगा कि जो या तो अगर हम किसी की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो सकती, नियमानुसार हो ही नहीं सकता, तो उसको तुरंत बता दें, और हो सकता है तो उसको सॉल्व कर दें, उसको जो घुमाने वाला है प्रोसेस वो ना हो। सर, भू माफियाओं को लेकर भी एक बड़ी यहाँ पर असर रहता है और अभी प्रकार के लेकिन निर्माण भी सारे लोगों को बना रहे, तो चीज़ को लेकर भी कुछ प्रकार कुछ कार्रवाई अभी का अगर मैं मेरे पूरे संज्ञान में तो नहीं है, मगर हाँ जो कार्रवाइयाँ हैं जो चिन्हित किए गए हैं उनमें कार्रवाइयाँ होंगी। सर, नीमच में एक ही खेल मैदान है, राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम जी, जिसका तो एक ही मात्र मैदान है पूरे नीमच में और जहाँ से फुटबॉल का नाम भी अच्छा नीमच जी जी जी, उसके लिए भी खेल की तरफ क्या रहेगा आपका रुझान? खेल बहुत जरूरी है और बिल्कुल डेवलप होना चाहिए। सर, उसमें ऐसा है जी, जो मैं एकदम से तो उसमें कमेंट करना मुश्किल है, बट उसको जो बेहतर किया जा सकता होगा मैं करने का प्रयास करूंगा। नीमच अभी गर्मी शुरू भी नहीं हुई है, नीमच का सबसे समस्या पानी को लेकर देखा गया है, या नीमच में जद्दोजहद हुई और नीमच में पानी को लेकर एक बार मर्डर भी हो चुका है, उसको लेकर किसका देखेंगे? नहीं, पानी की व्यवस्था गंभीर है और मतलब एक शहर की तो एक व्यवस्था है, ग्रामीण में और भी ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि यहाँ तो फिर भी दे रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा लीकेज और पूरा पाइप वाला डेवलपमेंट वाला इशू है। मेरी कोशिश रहेगी कि ये टाइमली डेवलप हो जाए और जो लीकेजेस हो रहे हैं उसको कम किया जाए। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के जी बहुत जरूरी है, और स्वास्थ्य में तो क्योंकि अभी अमला कोविड में लगा रहा था, तो रेगुलर स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं शुरू होना और ठीक होना जरूरी है। और जो हमारे सैटेलाइट जो हमारे तहसीलों के जो हॉस्पिटल्स हैं, जिले का अस्पताल तो फिर भी थोड़ा बहुत क्योंकि मेन प्रेशर रहता है, मगर
बाकी जो सिविल हॉस्पिटल्स हैं और सबसे सीएचसीज हैं उनको ठीक होना बहुत जरूरी है सर। यहाँ पर एक भी जो है सरकारी एम्बुलेंस नहीं है तो गरीब लोगों को पैसा देकर के और यहाँ से वहाँ रेफर करना पड़ता है जी। ये बहुत जी ये ठीक तो नहीं है, जो इसमें शासन से अब किया जा सकता है मैं करूँगा।